हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन का यूज करते हैं और दोस्तों जब भी क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं तो आपके पास दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर नजर आता है, जिस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दोस्तों वॉलपेपर यहाँ पर सेट होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है। अगर दोस्तों इस यहाँ पे इस एरिया में आप अपना फोटो या तो अपना इमेज या तो किसी का भी इमेज या तो यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपना फोटो या तो फिर कस्टमाइज वॉलपेपर लगाते हैं तो काफी ये एरिया काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी सुंदर लगता है, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं और सीख लेते हैं यहाँ पे अपना फोटो किस प्रकार से लगाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपके पास नेट ऑन होना चाहिए, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से नेट को कनेक्ट कीजिए। नेट कनेक्ट करने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर जब ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास इस प्रकार से ओपन होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपके पास नजर आता होगा एक ऑप्शन कस्टमाइज क्रोम, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे कस्टमाइज क्रोम नजर आता होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चीज लगा सकते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड लगा सकते हैं, शॉर्टकट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कलर एंड थीम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पर बैकग्राउंड नजर आ रहा था मैं उसी को बता रहा हूँ किस प्रकार से आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कलर वगैरह, बिग रेंडिंग वगैरह यहाँ देख सकते हैं, टेक्सचर वगैरह। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा, इसे भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेता हूँ, अर्थ वाला ले लेता हूँ, देख सकते हैं अर्थ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से काफी सारे यहाँ अर्थ का ऑप्शन आ जाता है। अगर यहाँ से आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद डन पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो वहाँ व्हाइट में आ रहा था बाय डिफॉल्ट वाला था यहाँ पे जैसे चेंज हो गया, ठीक है। अगर सो यहाँ पे अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पेंसिल पर फिर से क्लिक कीजिए, उसके बाद सकते हैं पहला ऑप्शन आपके पास नजर आता है अपलोड फ्रॉम डिवाइस, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। और आपके यहाँ पे आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको जो इमेज को लगाना चाहते हैं उस इमेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मैं इसी इमेज को लगा देता हूँ, इमेज सेलेक्ट किया, उसके बाद ओपन को आपको क्लिक करना। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका इमेज लग चुका है, सेम जैसे आप अपना इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव और काफी आकर्षित यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद।